में जोगनिया, अरे मंदिर में जोगनिया, इस लांगुर से है झगड़ी, तुम क्यों ना लाए जी, तुम क्यों ना लाए जी, नु करिए कुल्हड़ में रबड़ी, रबड़ी खा खा के मोटी हो रही हो, नु करिए धीरे से बोला तुम क्यों ना लाए जी कुल्हड़ में रबड़ी, रबड़ी ना मिले अब छत्तीसगढ़ में ड्यूटी चल रही है, उन परदेशी अपने भगत से कहती है, यानी कि अपने पति से कह रही है कि मेरा जो मकान है ना वो मैया की गली में हो, कौन कौन भक्त जाते हैं, मेरा भी मकान माता रानी की गली में हो, बस ये बाकी नहीं जा रहे क्या, अरे सब जाना चाहिए माता रानी की गली में मकान हो, और दिल का पूरा अरमान हो, और कहती है क्या भला, अरे दिल का पूरा अरमान होना चाहिए, पति से करिए पति से, और जो दिल का अरमान होना चाहिए, मैया जी की गली में मकान होना चाहिए, दिल का पूरा मेरा अरमान होना चाहिए, मैया जी की गली में मकान होना चाहिए, दिल में जो पूरा भजन पे खुश होकर दिए, माता रानी कृपा बरसाती रहे, जय जयकार होती रहे, बोली माता रानी की। मुझे तो लग रहा है हमारे भगत और भगतनी, आपको पता है, आधों को पता नहीं होगा, 20वां साल चल रहा है ड्यूटी को, और 20 साल से नहीं चल रहा कि अब गाऊं और अब क्या कराऊं। बोलिए माता रानी की जय। भक्तों में थोड़ा सा बता दूं,
एक भाभी जी हैं हरियाणा से चल के आई हैं, उन्होंने 200 रुपए की अरदास मेरे भजन पे खुश होकर दी है। भगवान उनकी धन संपत्ति में वृद्धि होती रहे, खुशी के बाजे बजते रहे, जय जयकार होती रहे, बोलिए माता रानी की। और 100 रुपए की अरदास एक भगतनी ने और दी है, माता रानी उनकी धन संपत्ति में वृद्धि करे। और मैं कहूंगा कि भगत और भगतनी 20वां साल चल रहा है, नुकरे हमारे बजेगा, हमारे वैसे होगा, तुझसे करवाएंगे। माता रानी ने इनकी सुनी तो, लेकिन ये मेरी नहीं सुन रहे। मैं बहुत देर से कह रहा हूँ खड़े हो जाओ, ऐसा लग रहा है जैसे खुशी ना हो, लेकिन इनके कान पर ऊनी चल रही। क्या बोले कर रहा हूँ सर जू? हाँ देखो इन्हें याद है, इनका हो रखी है लग रहा है। खड़ा हो जाओ भगत जी, अगर खुशी होगी तो खड़े हो जाओ। भगत जी खड़ा हो जाओ एक बार। अच्छा, अरे मामा हर तो पल्ली ओढ़ा, मामा हर से मटर है, तो सब मुंह मेरी बैठे लगभग। चलिए आइए भाई। जय हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण अगर हो जाएगी तो एक नया घर बनवाऊंगी। नया घर भी दे दिया, फिर कह रही है घर में क्या बनवाऊंगी, भजन के माध्यम से। और घर में एक कमरा एक मंदिर बनवाऊंगी, बढ़िया सी मैया की मैं मूर्ति लगवाऊंगी, मूर्ति लगवाऊंगी, मूर्ति लगवाऊंगी। घर में एक कमरा एक मंदिर बनवाऊंगी, मैया की मूर्ति मैं सारी लगवाऊंगी, सारी लगवाऊंगी, सारी लगवाऊंगी। पूजा वाला, पूजा वाला सारा ही सामान होना चाहिए, मैया जी की गली में मकान होना चाहिए। पूरी हो जाएगी ना तो मैं मैया का जगराता भी करवाऊंगी। और जगराते की माता ने सुन लिया, क्या कह रही भला? मैया जी का गली में जगराता करवाऊंगी, देवी और देवता में सारे बुलवाऊंगी, सारे बुलवाऊंगी, सारे बुलवाऊंगी। मैया जी की गली में जगराता करवाऊंगी, देवी और देवता में सारे बुलवाऊंगी, सारे बुलवाऊंगी, मैं सारे बुलवाऊंगी। आगे 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 वीर हनुमान होना चाहिए, मैया जी की गली में मकान होना चाहिए, पूरा मेरा अरमान होना चाहिए, मैया जी की गली में मकान होना चाहिए। रानी से जितनी उम्मीदें थी सारी पूरी हो गई, और लास्ट में कहने लगी कि जगराते के बाद तेरा भंडारा भी करवाऊंगी। जो जो कब होगा? कल को, यानी आज ही होगा। तो 12 से ज्यादा बज गए ना, भंडारा भी होगा भला कैसे? और मैया जी की
गली में भंडारा करवाऊंगी, हलवा और पूरी का भोग लगाऊंगी, भोग लगाऊंगी, भोग लगाऊंगी। भैया जी की गली में भंडारा करवाऊंगी, हलवा और पूरी का भोग लगाऊंगी, भोग लगाऊंगी, मैं भोग लगाऊंगी। तुसियंत तेरा यहाँ गुणगान होना चाहिए, भैया जी की गली में मकान होना चाहिए।